हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है मटर सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अक्सर मैं इसको चपाती के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में तो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तेल को गरम करा, उसमें डाला है मैंने हींग, तेज़पत्ता, जीरा और हल्दी पाउडर। फिर मैंने उसमें डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लिया। फिर मैंने उसमें डाला है टमाटर का पेस्ट और उसको अच्छे से मिक्स किया और लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लिया। ये 5 से 6 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें हरे मटर डाल दें और अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दें और अच्छे से मिला लें और मीडियम फ्लेम पर ढककर इसको अच्छे से पका लें ताकि मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप बड़ी को गर्म पानी में सोक कर रख दें। उसके बाद आप पानी, बड़ियों का पानी निचोड़ लें और बड़ी को इस ग्रेवी में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें और ढककर 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लें ताकि जो सोयाबीन की बड़ी है वो मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। बस चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच।